हे कंज्यूमर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाकर पाइए योर इंडियन कंज्यूमर के सारे अपडेट्स। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रसाद वेद पाठक, आपकी तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक। और आज मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं, मैं जानता हूं वो थोड़ी मुश्किल है, मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। अगर हम सभी लोग साथ मिलकर के ये चीज फॉलो करें तो ये मुमकिन है। लेट्स जस्ट कॉल इट द COD रेवोल्यूशन। COD रेवोल्यूशन यानी कि कैश ऑन डिलीवरी रेवोल्यूशन। अब ये चीज एग्जैक्टली क्या है, इस चीज के बारे में बताने से पहले मैं नए दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पास्ट में मैंने रिफंड से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, कंज्यूमर कंप्लेंट कैसे फाइल की जाती है इस बारे में वीडियोस बनाए हैं, तो अगर आप वो सभी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन में मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं COD रेवोल्यूशन की। COD रेवोल्यूशन के बारे में जानने से पहले आपको जानना होगा कि COD क्या होता है। COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी, ये एक पेमेंट ऑप्शन है और आपको ये ई कॉमर्स साइट्स पे देखने मिलता है। हम ज्यादातर हिंदुस्तानी सेफ साइड पे रहने के लिए कैश ऑन डिलीवरी ये ऑप्शन प्रेफर करते हैं। कैश ऑन डिलीवरी, ई कॉमर्स साइट्स, इन सभी चीजों पे मुझे इतना ज्यादा जोर डालना पड़ रहा है क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में एक प्रॉब्लम है, एक मिस्टेक है, और मैं चाहता हूं कि हम उस प्रॉब्लम को, उस मिस्टेक को पूरी तरह से जड़ से मिटा दे ताकि जो ग्राहक है उस तक उसकी मनचाही चीज आसानी से पहुंच जाए, जिसकी वजह से ग्राहक और ई कॉमर्स साइट्स दोनों का फायदा होगा। अब ग्राहक और ई कॉमर्स साइट्स, ये दोनों पार्टीज प्रॉब्लम कब फेस करती हैं? ये प्रॉब्लम तभी फेस करती हैं जब ग्राहक की मनचाही चीज उस तक ठीक तरह से पहुंच नहीं पाती। As simple as that। जब वो चीज ग्राहक तक पहुंच नहीं पाती तब पिक्चर में आता है रिफंड, रिप्लेसमेंट और ऐसी सभी चीजें। और हम जानते हैं कि रिफंड का मसला अभी तक कहीं नहीं पहुंचा है, रिफंड आने में ग्राहकों को उतनी तकलीफ हो रही है। पर अगर COD रेवोल्यूशन आप तरीके से फॉलो करें तो रिफंड का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो चीज जो ग्राहक ने मंगाई है वो उस तक क्यों नहीं पहुंच पाती। ई कॉमर्स इस पूरे बिजनेस में आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो आपके कंप्यूटर स्क्रीन से या फिर आपके मोबाइल फोन से, फिर वो ऑर्डर जाती है ई कॉमर्स साइट के पास। उस ई कॉमर्स साइट पे काफी सारे सेलर्स होते हैं, तो वो ऑर्डर जाती है उस सेलर के पास जिसको आपने सेलेक्ट किया है। उस सेलर थ्रू आगे वो जाती है शिपिंग में। अगर उस ई कॉमर्स साइट की खुद की लॉजिस्टिक सर्विस हो तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं हो तो जाती है वो और किसी थर्ड पार्टी के पास शिपिंग के लिए। फिर वहां पे होते हैं उनके ढेर सारे कुरियर बॉयज और फिर उसमें से कोई कुरियर बॉय लाके वो चीज आपके घर तक पहुंचा देता है। तो ये जो पूरा ई कॉमर्स का प्रोसेस है, इसमें आप देखें तो आपकी जो मनचाही चीज होती है, जो आपने ऑर्डर की होती है, वो काफी सारे लोगों थ्रू पास हो रही है, काफी सारे लोग उसे हैंडल कर रहे हैं। तो ऐसे सिस्टम में आप किस किस पे भरोसा करें? आप भरोसा नहीं कर सकते। और अगर ऐसे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो तो आप किसको ब्लेम करें, और ब्लेम अगर करें भी तो कौन सी बुनियाद पे? आपके पास सबूत क्या है, प्रूफ क्या है? शायद आपने इन सभी चीजों के बारे में आज तक नहीं सोचा है क्योंकि आपके जो डिलीवरीज है, आपके जो मंगाए हुए पैकेजेस हैं, वो आप तक सही सही पहुंच गए, पर खुदा ना खास्ता आपके साथ अभिषेक भटनागर जी जैसी चीज हो तो आप क्या करेंगे? गैजेट टू यूज के अभिषेक भटनागर जी जो हैं, उन्होंने पेटीएम से 40,000 रुपए का कैमरा मंगाया था और उनको पैकेट में मिले 500 रुपए के स्पीकर्स, तभी आप क्या करेंगे? अगर आपका इतना बड़ा गैजेट टू यूज जैसा चैनल नहीं है तो आप लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे कैसे? आपको तकलीफ होगी, आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभिषेक जी ने काफी दिक्कतों का सामना किया है। मैंने उन्हें कंसल्ट करने के बाद, उनका पूरा एक्सपीरियंस जानने के बाद, काफी सारे सब्सक्राइबर से बात करने के बाद ये वीडियो बनाने के बारे में सोचा। अब आते हैं मुद्दे पर, आपको एग्जैक्टली करना क्या है ये मैं आपको आज बताऊंगा। आपको आपकी जो शॉपिंग की हैबिट है वो थोड़ी सी चेंज करनी है। सबसे पहले आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपको उसकी ऑर्डर प्लेस करनी है। ऑर्डर प्लेस करते समय पेमेंट ऑप्शन जो होगा वो आप COD कैश ऑन डिलीवरी रखेंगे। मुझे पता है अभी आप में से काफी लोग बोलेंगे कि क्रेडिट कार्ड पे, डेबिट कार्ड पे हमें डिस्काउंट मिलता है, पर एक चीज समझिए, अगर आप बहुत ज्यादा कीमती चीज मंगा रहे जैसे कि लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन्स, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो आपके घर तक सेफली आ जाए अच्छी कंडीशन में, क्योंकि सच बता रहा हूं आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अगले शिकार बन जाएंगे, आपके पैकेट में पत्थर निकल आएगा। ऐसा हुआ है लोगों के साथ, बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है, पर ये चीजें हो रही है मार्केट में और आपको कुछ करना पड़ेगा इस बारे में। क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, आप टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहले आपने ऑर्डर प्लेस कर दी COD मीडियम थ्रू। अब जब वो पैकेज आपके घर पे आएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप घर पे नहीं रहते, आपके घर के दूसरे लोग या फिर आपके नेबर्स वो पार्सल एक्सेप्ट कर लेते, तो आपको ऐसा नहीं होने देना है। आपको क्या करना है, पार्सल आने से पहले आपको ई कॉमर्स साइट के कस्टमर केयर पे फोन लगाना है और उन्हें बताना है कि ये टाइम के बीच में मैं घर पे रहूंगा, तभी आप वो पार्सल घर पे भेजिएगा। और मैं आपको ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि सभी ई कॉमर्स साइट बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है इस मामले में, क्योंकि आखिरकार वो भी यही चाहते हैं कि उनका पार्सल सही तरह से कंज्यूमर तक पहुंच जाए। चलो तो फिर आपने फोन करके ये चीज भी निपटा दी। इसके बाद आती है असली परीक्षा की घड़ी, यानी कि डिलीवरी टाइम। एक और चीज आपके दिमाग में होगी कि यार प्रसाद, इतनी ज्यादा कैश हम कैसे हैंडल करें?
तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कैश ही पे करना है। जब कुरियर बॉयज घर पे आते हैं तो मैंने ये 90% टाइम ऑब्जर्व किया है कि उनके पास कार्ड स्वाइप करने की मशीन होती है, तो आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड थ्रू तभी भी पेमेंट कर सकते हैं। पर आपको पेमेंट कब करना है इस बारे में बात करते हैं। तो आमतौर पर क्या होता है, कुरियर बॉय आपके घर पर आता है, आपको पार्सल देता है, आपकी सिग्नेचर मांगता है, आप साइन उसे दे देते हैं और वो चला जाता है, आप पार्सल लेके घर के अंदर आ जाते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने खोल के नहीं देखा कि जो आपने मंगाया है वो आपको मिला या नहीं। आपको उसके अंदर, उस पैकेट के अंदर कुछ भी मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसी डिलीवरी बॉय ने आपकी बिल्डिंग के नीचे बैठ के कुछ ईंटें भरी हों उस बॉक्स में और आपको चिपका दी हो सकता है। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, काफ़ी सारे लोगों थ्रू ये आपका पैकेज जो है वो गुजरेगा। आप किस किस पे भरोसा करें? अब मैं आपको बताऊंगा मेरा सल्यूशन, ये है #COD Revolution। जब डिलीवरी बॉय आपका पार्सल लेके आएगा, आपको वो पार्सल वहीं के वहीं ओपन करना है, वो भी ऑन कैमरा। अभी आप लोग मुझे बोलेंगे कि प्रसाद ये बताने के लिए वीडियो बनाया तूने, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। जो कुरियर बॉय होता है वो पार्सल खोलने ही नहीं देगा हमें। क्यों नहीं खोलने देगा? ये जो रूल है, ये जो तरीका है, वो उन्होंने बनाया है। क्यों बनाया है और क्यों चल रहा है? क्योंकि हम लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं इस बारे में। सोचिए इस बारे में, इट इज़ जस्ट अ रूल। और ये रूल जो है वो लोगों के लिए है, हम लोग जो हैं वो रूल्स के लिए नहीं है। ये सिंपल चीज़ है। ये जो ई कॉमर्स साइट्स ने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली रूल बनाया है, हमें इसे बदलना है। दैट इज़ COD Revolution। अब जब मैं हैवी अप्लायंसेस घर पे मंगाता हूँ, मैंने वॉशिंग मशीन मंगाई है, एसी मंगाया है, टीवी मंगाए हैं, तभी उनकी पॉलिसी अलग है। तभी पैकेज खोलने की वो एक साइन लेते हैं और डिलीवरी की दूसरी साइन लेते हैं, दो साइंस लेते हैं वो हमसे। तो ऐसा मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ क्यों नहीं, खास करके उन प्रोडक्ट्स पे जिसपे आपको रिफंड्स नहीं मिलते, जिस पे आपको सिर्फ रिप्लेसमेंट्स मिलती हैं। सोचिए इस बारे में। इसका एक ही जवाब है, क्योंकि हम कंज्यूमर्स, हम ग्राहक डिमांड नहीं कर रहे हैं, हमें प्रोडक्ट ओपन करने का डिमांड करना है, बस। दैट इज COD Revolution। अभी एक और कंसर्न आपके दिमाग में होगी कि आप कभी कभी अकेले होते हैं घर पे, तो वीडियो पे रिकॉर्ड कौन करेगा? वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो आपका सबूत है, वीडियो आपका प्रूफ है। अगर डिलीवरी के वक्त आपके घर पे कोई है तो आपका काम बहुत ही आसान हो गया, तो फिर आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ओपन कर सकते हैं, जो दूसरा पर्सन है वो रिकॉर्ड कर लेगा। पर जब आप अकेले हो घर पे, आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप उस डिलीवरी बॉय को बोलें कि यार रिकॉर्ड करना है, और डिलीवरी बॉय आपकी हेल्प करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर सभी लोग डिमांड करेंगे तो वो हेल्प करेगा। और आफ्टर ऑल, अगर कल जाके कोई प्रॉब्लम आती है, उस बॉक्स में आपको पत्थर मिलते हैं या कुछ और मिलता है, तो वो डिलीवरी बॉय भी तो फंसने वाला है इस पूरी चीज़ में। सभी डिलीवरी बॉयज़ को ये चीज़ समझानी पड़ेगी कि यार ये हम दोनों की सेफ्टी के लिए है, ये प्रूफ आपके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। और वो डिलीवरी बॉय समझेगा, बिल्कुल समझेगा, क्योंकि आगे चल के अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसे भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और शायद उसे अपनी नौकरी गंवानी पड़े। अब ये चीज़ फॉलो करने से आपके क्या फ़ायदे होंगे ये जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपके पास प्रोडक्ट आता ही नहीं है, अगर बीच में कहीं ऑर्डर कैंसिल हो जाए, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपको रिफंड के लिए 100 बार उन्हें मेल और कॉल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने COD ऑप्शन सेलेक्ट किया था। दूसरा पॉइंट, अगर रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर होता है तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना है, और उसका प्रूफ आपके पास कैमरा पर है, उसका मेल भेज दीजिए और बता दीजिए कि गलत प्रोडक्ट आ गया था, सिंपल। तीसरा पॉइंट, आपको COD ऑप्शन चुनना पड़ रहा है बार बार, इसके वजह से आप जो बेफिजूल की शॉपिंग करते हैं वो कम हो जाएगी। सो इफ यू डोंट नीड, यू वोंट बाय, फाइनली। अब ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ये सभी लोगों को फॉलो करने में तकलीफ तो आएगी, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। आपको एक ही तकलीफ आएगी, वो ये है कि वो डिलीवरी बॉय आपको पैकेट ओपन ही नहीं करने देगा जब तक आप साइन नहीं करते, जब तक आप पैसे नहीं देते। तो ऐसे समय क्या करता है, आपको पैकेट रिजेक्ट कर देना है, आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना। कल समझो हम सभी लोग, जितना पूरा पॉपुलेशन है हमारा, जो सभी ई कॉमर्स से प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, सभी ये चीज़ फॉलो करने लगे तो चेंज बिल्कुल आएगा। तो ई कॉमर्स साइट्स को अपनी पूरी पॉलिसी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। शायद कोई ई कॉमर्स साइट कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए इतने हद तक जाए कि वो जो डिलीवरी बॉय है वो खुद ही ओपन करके आपको प्रोडक्ट दिखाए कि भाई आपका प्रोडक्ट आप तक सेफ पहुंच गया है, और उसकी फिर आपको साइन लेनी पड़े। बिल्कुल ये हो सकता है, हमें सिर्फ इस चीज़ का डिमांड करना है। अगर मैं मेरी खुद की बात कर दूं, तो मैंने ये चीज़ हमेशा फॉलो की है। मैं जो भी मुझे पैकेज आता है वो उस डिलीवरी बॉय के सामने ही ओपन करता हूँ। अगर वो मना करे तो मैं उसे वापस भेज देता हूँ, और मेरे झगड़े भी हुए हैं ई कॉमर्स साइट्स के साथ इस कारण के वजह से। मैंने इतना तक किया है कि मैंने डिलीवरी बॉय को घर में बुलाया है, बिठाया है, ठंडा पानी पीने को कहा है, साथ में उसे रिकॉर्ड करने को लगाया है और उसी के सामने अनबॉक्स किया है मैंने। बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपके खुद के पैसे हैं, आपने पैसे दिए हैं, तब भी जाके ये बिजनेस चल रहा है। एक डिलीवरी बॉय आपको नहीं बता सकता कि आपको क्या करना है, आप बताएंगे। कंज्यूमर इज द किंग।
और मैंने आपको ये जो सोल्यूशन बताया, सिंपल सोल्यूशन मैं कहूँगा, बहुत सिंपल सोल्यूशन है। मुझे पता नहीं अभी तक लोग ये फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग होंगे भी जो फॉलो कर रहे हैं। अगर आप फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी मेरी तरह, तो मुझे कमेंट्स में बिल्कुल बताइएगा, और अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अभी से फॉलो करना चालू कर दीजिए, क्योंकि द सीओडी रेवोल्यूशन हैज बिगन। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं ई कॉमर्स साइट से गुस्सा हूं या बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर ये वीडियो बना रहा हूं, बिल्कुल नहीं। अगर आप ये सीओडी रेवोल्यूशन की जो टेक्निक मैंने आपको बताई है ये फॉलो करें, तो ना ही सिर्फ ये ग्राहक के लिए बेनिफिशियल है, पर ये ई कॉमर्स साइट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि जब कोई गलत प्रोडक्ट डिलीवर होता है या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है, तो जो पूरा पैकेजिंग है, उस डिलीवरी बॉय का आने जाने का कॉस्ट, ये जो सारे कॉस्ट हैं, ये कंपाइल होके आते हैं ई कॉमर्स साइट पे, तो नुकसान उनका बहुत ज़्यादा है। और अगर ई कॉमर्स साइट्स की जो बड़ी बड़ी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं वो अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक बहुत ही ब्रिलियंट सोल्यूशन मैंने आपको दिया है, आपका डिलीवरी बॉय ही अगर खुद खोल के वो प्रोडक्ट हमें दिखाए और फिर उसकी साइन ले, तो यार आपकी निकल पड़ेगी। आई जस्ट गेव यू अ ब्रिलियंट आइडिया। मेरा दावा है कि ऐसी ई कॉमर्स साइट्स को बहुत ज़्यादा सराहेंगे हम सभी इंडियन कंज्यूमर्स। तो बस इसी नोट पे मैं ये वीडियो खत्म करना चाहूँगा। दोस्तों, मेरी आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें इस वीडियो को, ताकि जो सीओडी रेवोल्यूशन है वो सभी हिंदुस्तानी ग्राहक फॉलो करें। और हाँ, एक चीज़ पे ध्यान देना मत भूलिए, बी द चेंज दैट यू वॉन्ट टू सी इन द सोसाइटी। यू हैव टू स्टार्ट इट विथ योर सेल्फ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं प्रसाद वेदपाठक अभी के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा, और फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन डू रिमेंबर टू सर्व बिफोर यू स्वाइप, एंड इफ यू डोंट नीड यू डोंट बाय। बाय बाय।